अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बहुत ही प्यारा और यूनिक सेट रोजर का डिजाइन लेके आए हैं, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगा। ये देखिए, ये हमारे पास सेट रोजर, लेकिन उससे पहले आपने हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। ये हमारे पास है रोजर, हमने इसके ऊपर पंचों के ऊपर यहाँ पे हमने डिजाइनिंग करनी है, बहुत ही यूनिक सी। इसके लिए ये देखिए, यहाँ पे हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास है प्रेस। हमने इसको आड़ा जो है, आड़ी पट्टियां काट के 1 इंच, ये देखें तकरीबन 1 इंच हमने, बिल्कुल ये 1 इंच मैंने पट्टी काट ली और इसको मैंने इसके ऊपर सादा कपड़े के ऊपर चिपका लिया। ये देखें बिल्कुल 1 इंच आपने ये भी इसी तरह काटनी है। मैंने 1 इंच इसके ऊपर काट लिया। काटने के बाद इसको मैंने प्रेस की मदद से, इस्त्री की मदद से मैंने इसको चिपका लिया। चिपकाने के बाद हम इसको ये देखें अलग कर देंगे, ऐसे करके अलग कर देंगे। अलग करने के साथ हम इसका क्या करेंगे, ये देखें हम इसके साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ इसको काट देंगे। ये देखें काट देंगे। रिलीज इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगा। ये देखें हम इसको इसके साथ साथ ऐसे करके काट लेंगे, ठीक है। हमने ऐसे करके इसको काट लिया। काटने के बाद हमने इसको कैसे बनाना है, ये देखें, ये हमने इसको अपने हाथ की मदद से इस तरह करके इसको ऐसे करके फोल्ड करते चले जाना है। ये देखें ऐसे करके हमने इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। ये देखें ऐसे करके हमने इसको फोल्ड कर लेना है। सिंपल भी है और आसान भी है। ये देखें इधर से भी हमने इसको फोल्ड कर दिया। ऐसे करके हम इसी तरह अपने हाथ की मदद से इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ये देखें, ये इधर से भी हम इसको फोल्ड करते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके हमने इसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद हम इसको प्रेस करेंगे, ऐसे करके, ये ऐसे करके हम प्रेस कर लेंगे, ठीक है। अब प्रेस करने के बाद अब इसके ऊपर हमने फिर इसको दोबारा एक बार फिर हमने इसको ऐसे करके फोल्ड करना है। ये देखें जिधर हमने दोनों तहों को आपस में एक दूसरे के साथ मिला देना है ऐसे करके, और इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने ये सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। हमने इसके किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये हमने इसके ऊपर किनारे के ऊपर बिल्कुल, ये जो है हमने बिल्कुल किनारे के ऊपर इसकी यहाँ पे सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको अब राउंड शेप देनी है। राउंड शेप कैसे देनी है, ये हमारे पास है पानी, हमने इसको इसके अंदर डिप कर लिया। ये देखें हमने इसको इसके अंदर डिप कर लिया। डिप करने के साथ हम इसको बिल्कुल गुलाई वाली शेप दे देंगे। ये देखें, ये हमने इस्त्री की मदद से हमने इसको इस तरह करके शेप दे देनी है। ये देखें ऐसे करके, ऐसे हम इसको इस तरह करके इसकी शेप बना देंगे, राउंड शेप बना देंगे। तमाम आपने ऐसे ही करने हैं। ये देखिए ऐसे करके हमने इसकी शेप बना लेनी है, ऐसे करके। ये देखिए हमारी, ये देखें बिल्कुल राउंड शेप बन गई। ये जो हमारे पास, ये देखें एक चीज ये बना हुआ है, हम इसके साथ इसको यहाँ पे लगा के कटिंग कर देंगे। ये देखें हमारे ये दो बिल्कुल तैयार हो गए। ऐसे करके हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बना लिया। ये देखें करने के बाद ये देखें, हाँ ये हमारे पास है, हम एक पेज लेंगे। ये देखें हम ये एक पेज ले लेंगे। पेज लेने के बाद ये हमारे पास जो हमारे पास शलवार है, ये देखें ट्राउजर है, ये देखें ये हमारे पास ट्राउजर है। हमने इसके ऊपर ऐसे करके लगाना है। ये देखें यहाँ पे हम इसके ऊपर यहाँ से ऐसे करके इसको लगाना शुरू कर देंगे। यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये ऐसे करके हम इसके ऊपर इसी शेप के अंदर, जैसे ये हमारा बराबर बन रहा है, हम इसी शेप के अंदर तमाम बना लेंगे और इसी तरह हम इसकी सिलाई लगा देंगे। पहले हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके, ये ऐसे करके लगाएंगे। ये ऐसे करके हमारे तमाम जो है ऐसे लग जाएंगे। ये ऐसे करके हमारे, आपने भी ईद के लिए जरूर बनाना है। ये देखिए ऐसे करके हमारे ये तमाम हम इस तरह करके लगा लेंगे।
बाकी भी हम बना के इसी तरह लगाएंगे। इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगा और इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।